नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में अब IPS अधिकारी दीपम सेठ जिम्मेदारी संभालेंगे। शासन में गृह सचिव शैलेश भगौनी ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, दीपम सेठ की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति खत्म होने के बाद से ही लगातार उनके पुलिस महानिदेशक के रूप में तैनाती को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। ऐसे में सोमवार को शासन ने कयासों को सच साबित करते हुए पुलिस महानिदेशक के रूप में दीपम सेठ को जिम्मेदारी देने से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। बता दें, दीपम सेठ 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं और वो राज्य के 13वें पुलिस महानिदेशक होंगे। गृह विभाग ने दीपम सेठ को पुलिस महानिदेशक बनाए जाने का आदेश जारी किया है। उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक के तौर पर स्थायी तैनाती को लेकर पिछले लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। IPS अधिकारी अशोक कुमार के पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अभिनव कुमार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया गया था, जिसके बाद UPSC को 7 अधिकारियों के नाम भेजे गए थे, जिसमें अभिनव कुमार का नाम भी शामिल था। लेकिन UPSC ने 3 नाम के पैनल में उनका नाम शामिल नहीं किया। ऐसे में उनका पुलिस महानिदेशक पद से दावेदारी खत्म हो गई थी, जिसके बाद पैनल में शामिल IPS अधिकारी दीपम सेठ को शासन ने पुलिस महानिदेशक के पद पर जिम्मेदारी सौंप दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।